स्वागत है दोस्तों आप सभी को एलेक्स टेक यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों मैं आज आपको एक चीज बताने जा रहा हूँ जो कि आपके एंड्रॉइड डिवाइस में आप फेस कर रहे होंगे ये प्रॉब्लम। जैसे कि दोस्तों आप जब आप अपने डिवाइस यूज करते हो और आप जब यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करते हो, स्क्रॉल डाउन करने से यहाँ पे आपको यहाँ पे ये जो भी नोटिफिकेशन आता है ये यहाँ से स्लाइड नहीं होता है। आप काफी देर से ट्राई करते हो लेकिन होता नहीं है। तो ये स्लाइड नहीं होने का कारण का बारे में आज मैं आपको थोड़ा बताने जा रहा हूँ। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि कोई वीडियो अपडेट मिस ना करे, और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर दीजिए। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों देखिए, आप जब आप यहाँ पे अपने डिवाइस यूज करते हो यहाँ पे कितने सारे नोटिफिकेशन आते हैं, वो स्लाइड नहीं होता। तो स्लाइड नहीं होने का कारण क्या है हमको समझना पड़ेगा। तो दोस्तों यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सेटिंग्स का ऑप्शन आपको सिंपल से दिखा देगा, ये सिंबल यहाँ से स्लाइड नहीं हो रहा था। कितने को नहीं पता था, छोटे छोटे चीज हम यहाँ पे मिस वो कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। तो हमको कभी कभी क्या होता है कि घबराहट हो जाती है, जो कि शुरू जो फर्स्ट फर्स्ट स्टार्टिंग में यूज करते हैं। तो आपको क्या कुछ भी नहीं करना है दोस्तों, सिंपल सा प्रोसेस है। तो आप इसको टैप कीजिए, यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन का जो ऑप्शन शो करें, यू विल रिसीव नोटिफिकेशन फ्रॉम म्यूजिक। तो आपको सिंपल से इसको केलर टैप करके डिसेबल कर देना है और यहाँ से आपका ये हट जाएगा। तो देखिए सिंपल सा प्रोसेस दोस्तों, इस प्रोसेस को यूज करके यहाँ पे आप नोटिफिकेशन को डिसेबल कर सकते हो। और अगर आपका यहाँ पे क्या बोलते हैं स्लाइड नहीं हो रहा है तो सिंपल सा प्रोसेस है। दोस्तों आज के लिए इतना, मिलते हैं अगले वीडियो में। कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए कैसा लगा आपको वीडियो, और अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से आपको थोड़ा भी हेल्प हुआ है तो मुझे फीडबैक दीजिए, और कुछ प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, तो मैं आपको बताऊंगा आपका प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैं ट्राई करूंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर, बाय।